लंदन में 10 किंग हेनरीज रोड पर ये वो घर है जहां बाबा साहब बी आर अम्बेडकर 1921 से 1922 के बीच रहे थे। लंदन में अपनी पढ़ाई के दौरान डॉक्टर अम्बेडकर यहां रहा करते थे। इसी घर को लेकर लंदन से गुड न्यूज आई है। इस घर को म्यूजियम बनाने को लेकर लंदन के अम्बेडकरवादी जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे उसमें उनकी जीत हुई है। स्थानीय काउंसिल और प्राधिकरण ने लंदन में 10 किंग हेनरीज रोड पर डॉक्टर अंबेडकर म्यूजियम बनाने की इजाजत दे दी है। दरअसल सितंबर अक्टूबर 2019 में हुई एक जन सुनवाई के दौरान लंदन बोर ऑफ कैमेडियन काउंसिल ने डॉक्टर अंबेडकर म्यूजियम बनाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। काउंसिल ने कहा था कि एक आवासीय इमारत को म्यूजियम बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। काउंसिल ने यह भी कहा था कि ब्रिटेन को ये नहीं पता था कि डॉक्टर अंबेडकर इतनी बड़ी हस्ती बन जाएंगे। लेकिन लंदन के अंबेडकरवादियों की ओर से दिए गए बयानों और सबूतों के आधार पर स्थानीय प्रशासन ने घर को म्यूजियम बनाने की मंजूरी दे दी है। अब इस घर को एक म्यूजियम बनाया जाएगा। भारत से बाहर किसी देश में ये पहला ऐसा म्यूजियम होगा जहां बाबा साहब खुद रहा करते थे और अब उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं को दिखाया जाएगा। फेडरेशन ऑफ अम्बेडकराइट एंड बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूके की अध्यक्ष संतोष दास ने महाराष्ट्र सरकार से ये घर खरीदने की अपील की थी, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने लंदन के इस घर को खरीद लिया था। संतोष दास अपने बयान में कहती हैं, I'm thrilled. This is very a good day for equality and dignity. My dream was to create the first memorial outside of India to Babasaheb Ambedkar at a place where he lived. He was a giant of social equality and human rights. That dream is coming true. फेडरेशन ऑफ अम्बेडकराइट एंड बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूके की कड़ी मेहनत और लगन ने एक ऐतिहासिक काम कर दिखाया है। ब्रिटेन में बसे भारतीयों और दुनिया भर से लंदन पहुंचने वाले अम्बेडकर वादियों के लिए 10 किंग हेनरीज रोड पर बनने वाला ये म्यूजियम न सिर्फ बाबा साहब के मिशन को समझने में मदद करेगा बल्कि पीढ़ियों को सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए प्रेरित भी करेगा। द शूद्र की ओर से फेडरेशन ऑफ अम्बेडकराइट एंड बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूके के सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। ब्यूरो रिपोर्ट द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें।